महरा भाभी खुश तो है ना? अरे वाह, खुश क्यों नहीं होंगी, देखो तो कैसा रूप चढ़ा है महरा भाभी का माशाल्लाह से। अरे मंजर भाई आ गए, आप अंदर नहीं आ सकते। मैं देखता हूँ मुझे मेरे कमरे में दाखिल होने से कौन रोकता है। अरे ऐसे कैसे आएंगे, पहले हमारा नेक निकालिए। यार क्या गुंडागर्दी मचाई है तुम तीनों ने यार, पहले वहाँ साली साहिबा ने दूध पिलाई के नाम पे हमारी जेब खाली कर दी और अब तुम नेक वेक पता नहीं किसके चक्कर में। यार रहम करो गरीब भाई। जी नहीं, इतने भी गरीब नहीं है आप। चलिए तीनों के लिए 5,000 रुपए निकाल दीजिए। शक्लें देखिए, 5,000 रुपए बढ़िया है। अब ये जो भी है मुझे नहीं पता, मेरे पास यही बचे, ये गालिबन ये 6,000 रुपए, तुम तीनों 2,000 तुम्हारे। चलो निकलो यहाँ से वरना मैं बाहर सो जाऊंगा। बदमाश नहीं तुम। आपी आपी कहाँ हैं आप? ओफो भाई वाकई में, हमने तो इस बार ऐसी तैयारी की है इस चौथी के दुल्हा भाई के आपके छक्के छुड़ा देंगे। और हाँ जरा तैयारी से आइएगा। अरे जालिमों कुछ रहम करो, मतलब गरीब आदमी के ऊपर इतना जुल्म, पहले क्या कम जुल्म किया, लूट चुके हो मुझे और कितना लूटोगे तुम लोगों का। यानी तुम्हारा ऐसा कौन सा खर्चा हो गया बेटा? भाई देखो जिंदगी में इंसान एक ही मर्तबा शादी करता है, तो इन लोगों को निकाल लेने दो अपने अरमान। आप भी इन्हीं की साइड लेंगे, इनके अरमान खत्म हो या ना हो एक दिन मेरा दिवालिया जरूर निकाल देंगे। इसका मतलब आप कंजूस है ना? सायरा बेटी बुरी बात है, इतना तंग नहीं करते किसी को। पापा किसी कहाँ है, ये दूल्हा भाई है मेरे। अरे भाई साहब करने दीजिए ना बच्ची को बातें, भाई आखिर साली और बहनोई का मामला है। सलाम अलैकुम। आफी आ गई। आफी आंखें क्यों रेड हो रही है, लगता है रात भर सोई नहीं। लीजिए दूल्हा भाई आ गए आपकी महारानी साहिबा। आइए तशरीफ रखिए। अरे बैठिए ना, किस चीज का इंतजार है। लगता है एक ही दिन में आप ही ने दूल्हा भाई को। मत तंग करो बेटा, नाश्ता करने दो उसे। अच्छा चले आप कुछ नहीं तो हम आपके लिए चाय तो बना ही सकते हैं, है ना? ये शुगर आप अपनी मर्जी से डालिए। अल्लाह इन दोनों की मोहब्बत यूं ही सलामत रखे। ये क्या बात हुई आपकी, हम आपको इतनी चाह से लेने आए थे। कहा आज मेरा यहाँ पहला दिन है और फिर अब यही तो मेरा घर है, क्या करूंगी जाकर।
माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत सोच है तू। लेकिन बेटा क्या कर, ये तो रस्म बरसों से चली आ रही है कि शादी के दूसरे दिन लड़की अपने घर जाती है, है? मुझसे कोई गलती हुई है? हुँ? क्या? मैं कह रही हूँ मुझसे कोई खता हो गई है, कोई गलती हो गई है मुझसे। क्या? नहीं, क्या गलती, क्या खता? आप मुझसे इतने उत्साहे हुए क्यों हैं? आपका रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे सवाल जवाब पसंद नहीं है, इसलिए मुझसे सवाल ना किया। लेकिन मैं क्या बात है, आप अब तक सोई नहीं? मुझे आपसे बात करनी है। सुबह कर लीजिएगा, अभी आधी रात हुई, आइए। नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त आपसे बात करनी है। कहिए, ऐसी कौन सी बात है जो आधी रात को करना बहुत जरूरी है, बोलिए। मियां बीवी होते हुए भी हमारे दरमियान ये कैसा रिश्ता है, ये किस तरह का ताल्लुक है? आप जानते हैं शादी से पहले कितने अरमान थे मेरे, क्या क्या ख्वाब थे मेरे, और क्या कुछ सोचा था मैंने अपनी इस नई जिंदगी के बारे में, अपने इस नए घर के बारे में, कितने अरमान थे मेरे। और वो बेशुमार बातें जो मैं अपने शौहर से करना चाहती थी, अपने जज्बे, अपनी खुशियां जो मैं सिर्फ अपने शौहर से शेयर करना चाहती थी, लेकिन लेकिन हुआ क्या? आखिर कमी किस बात की आप? घर है, गाड़ी है, नंदे और देवर है नहीं, एक सास है वो भी आपसे बहुत प्यार करती है, आइडियल लाइफ तो है, और क्या चाहिए क्या? लेकिन मंजर, मुझे आपका प्यार चाहिए, और वो मैं आपको दे नहीं सकता। क्यों? क्या आपको खवातीन में दिलचस्पी नहीं है? क्या मतलब है आपका? ऐसे लोग भी तो होते हैं जिन्हें औरतें पसंद नहीं होती। आपके जहन में ये बेहुदा ख्याल आया भी कैसे? इसलिए कि जो तवज्जो और मोहब्बत मुझे आपसे चाहिए वो आपने मुझे नहीं दी। ये आपके छोटे दिमाग की छोटी सोच है। अगर ऐसा है तो क्या आप मुझसे शादी पर रजामंद नहीं थे?
मैं आपको पसंद नहीं हूँ, क्या कमी है मुझ में? क्या आप किसी और को पसंद करते हैं? गजल, गजल नाम है उसका। तो फिर आपने उससे शादी क्यों नहीं की? वही जात, बरादरी, उसके खानदान वाले अपनी बरादरी से हट के शादी नहीं करते। और मेरी अम्मी है, मेरे अम्मी मेरी शादी अपनी पसंद से करना चाहती थी। दो चार साल तो मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। जब वो लोग बिरादरी से बाहर शादी नहीं करते तो फिर अब आप भी उसको भूल जाए ना? आप समझेंगे नहीं क्योंकि आपने किसी से मोहब्बत की है। बहुत ज्यादा की है। किससे? अपने माँ बाप से, सायरा से, और किसे? और आपसे। लेकिन मैं गजल को भूल नहीं सकता सारी जिंदगी। इनफैक्ट मोहब्बत भुलाई ही नहीं जा सकती। इसका रंग तो वक्त के साथ साथ गहरा होता चला जाता। लेकिन मैं आपकी बीवी हूं, आपकी मोहब्बत पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक। आप सिर्फ इस घर की बहू, बहू ही रहें तो बेहतर है। जो मकाम आप मुझसे चाहती हैं, मेरी जिंदगी में वो मकाम सिर्फ और सिर्फ बदल कर। कितनी गिरे अब बाकी है मगर आप ही। मंजर भाई के रवैये से तो ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसे हो सकते। इतना तजाद। बहुत अच्छे अदाकार है, जैसे पीतल पर सोने का पानी नहीं चढ़ा होता, बिल्कुल वैसे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। इन्होंने अपनी अम्मी की खुशी की खातिर मेरी जिंदगी तबाह कर दी। नहीं आप ही, कसूर तो शहनाज आंटी का है। एक कि उन्होंने मंजर भाई की बात नहीं मानी, और दूसरी ये कि
हम सबको भी अंधेरे में रखा। मुझे अब यहां नहीं रहना, चलो यहां से घर चलो। आपे? और बाबा जान? मैं बाबा जान को बता दूंगी कि उन्होंने जो फैसला मेरे लिए किया है वो मुझे किसी हाल में कबूल नहीं है। सिसक सिसक कर इस तरह से डरे रह सकते। आप ही बाबा जान की तबीयत वैसे ही बहुत खराब है। क्या? इनफैक्ट मैं आपको बताना नहीं चाह रही थी, डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रेस देने से सख्ती से मना किया है। क्या? ये कब हुआ? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उस दिन जब आप और मंजर भाई वापस आए थे, उन्हें अटैक हुआ था, उन्होंने आपको बताने से सख्ती से मना किया था। आप ही मेरा मशवरा यह है कि आप अपना रवैया अच्छा रखें। एक आदमी मुझे अपनी बीवी तस्लीम करने को तैयार नहीं है, तुम मुझे कह रही हो मैं अपना रवैया अच्छा रखूं? आप ही मैं आपसे उम्र में बहुत छोटी हूं, मगर इतना जरूर जानती हूं कि अगर औरत चाहे तो मर्द को तब्दील कर सकती है, और सैक्रिफाइस तो आपको करना ही पड़ेगा, अपने लिए नहीं तो बाबा जान के लिए। तो मैं करूंगी, लेकिन कैसे? आप ही अपना भरपूर ख्याल रखें, बने सवरे मजे मजे के खाने बनाएं। कब तक इग्नोर करेंगे वो आपको? उनके घर पे रहती हैं आप, उनका ख्याल रखिए, कभी ना कभी तो वो हार मान ही लेंगे। तो बहुत सख्त इंसान है सारे, भी कोई पत्थर की तरह। मगर आप ही आप कोशिश तो कर सकती हैं ना? चलें वादा करें कि आप कोशिश करेंगे। भाई वाह, क्या कोरमा बनाया है तुमने, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लगता है आपके ऑफिस वालों ने आपकी छुट्टियों की सारी कसर निकाल दी, इतना काम करवाया है आपसे आज, है ना? खाना लगाऊं? बल्कि मैंने बहुत अच्छा सा सूप बनाया है, पहले वो लेकर आते।
क्या बात है, आज आप बहुत मुख्तलिफ लग रही हैं, बहुत अच्छी। मैं तो हर रोज ऐसी लगती हूँ, बस आप मुझे नहीं देखते। आपके लिपस्टिक का कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बस लिपस्टिक नहीं, आपकी साड़ी भी बहुत अच्छी। और इस साड़ी में मैं कैसी लग रही? अच्छी। हाँ बोलो। नहीं, वॉशरूम में था। हाँ तुम बोलो। हेलो। हाँ सुनो, क्या पकाया गया? खाना नहीं, अभी बनाने लगी हूँ। अच्छा सुनो, अगर पकाया नहीं अभी तक कुछ तो पकाना नहीं, मैं बाजार से लेता हूँ, ठीक है? क्या लाऊं? कुछ भी ले आए, बस मुझे पाए पसंद नहीं है, प्लीज पाए मत लाइएगा। ओके। टाइम हो गया, आपकी बहू नहीं आई अभी तक। मायरा, मायरा बेटा। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। खाना? मैंने आपसे कहा था कि मैं पाए नहीं खाती, आप फिर भी पाए ले आए। आप नहीं खाती तो क्या हुआ, मुझे और अम्मी को तो बहुत पसंद है। बेटा तुम्हारे लिए कुछ और बनवा दूं? नहीं थैंक यू, मुझे भूख नहीं है। बेटा अगर उसको पाए पसंद नहीं है तो उसके लिए कुछ और ले आते। मुझे भी तुम्हारा पसंद नहीं थी, आप भी तो ले आएंगे मेरे लिए। ये किस कसम की गुफ्तगू है? बस ऐसे ही गुफ्तगू करने आते हैं, और अब मैं वही करूंगा जो मेरा दिल चाहे। देखो बेटा, मायरा तुम्हारी बीवी है, उसका ख्याल रखा करो। बीवी की शक्ल में मैंने सिर्फ एक ही लड़की को हमेशा देखा है, और वो गजल है। मुझे हर चीज की एक हद होती है, खत्म करो ना इस बात को। हद ही तो होती है, वो भी तो उस हद से गुजरने को तैयार थी, कोर्ट मैरिज तक करने के लिए तैयार थी मुझसे। देखो अच्छे घरानों में कोर्ट मैरिज नहीं हुआ करती, बाकायदा निकाह होता है। चाहे इन खानदानी तरीकों की वजह से अपने बच्चों की जिंदगी तबाही क्यों ना हो जाए।
ये ले खाना खा। मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ। बस सिर्फ इनके घर में रहती, उनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। दिन गुजर गए लेकिन इनमें कोई तब्दीली नहीं आई। सब कुछ तो कर देख लिया, ऐसे लगता जैसे इनके सीने में दिल नहीं, पत्थर सा हो। आप ही प्लीज, आप अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं पापा से आज ही बात करने की कोशिश करती हूँ। मुझे तो डर लगता है ये सब कुछ अगर बाबा को पता चल गया तो उनकी तबीयत और ना खराब हो जाए। आप ही मैं समझती हूँ, मैं भी उनका मूड देख के बात करूंगी। मायरा सुनो, मेरे ख्याल में मंजर आ गए, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए, मुझे बात करनी है आपसे। खाना लियो। मैंने कहा ना, बैठिए मुझे बात करनी है। इतने दिनों से आप और मैं साथ हैं और इस दौरान आपके मेरे दरमियान जो रिश्ता बना है उसे आप चाहे जो चाहे नाम दें, लेकिन कम से कम उसे मोहब्बत नहीं कहा जा सकता, राइट? आपने इस घर में अपनी एक जगह तो बना ली है, मेरी ख्वाहिश है कि वो उस जगह तक महदूद रहे तो ज्यादा बेहतर है। क्या मतलब? फजल के वालिद की डेथ हो गई है, इनफैक्ट एक महीने से ज्यादा हो गया, उसने मुझे बताया ही नहीं। तो ये कि अपने वालिद की डेथ के बाद वो बिल्कुल तन्हा है, इवन तन्हा थी, मैंने निकाह कर लिया उसे। क्या कर लिया? इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है, जबकि आप जानती हैं ये होना ही था एक ना एक दिन। मंजर साहब, ये जो इतने दिनों से मैं आपके साथ इस घर में रह रही हूं, मेरी मोहब्बत का, मेरे खुलूस का, मेरे प्यार का ये खिला दिया आपने मुझे। अगर यही सब कुछ करना था तो आहिस्ता बात कीजिए। क्यों आहिस्ता बात करूं? ताकि लोगों को ये पता ना चले कि आप क्या करके आए, क्योंकि आप एक मर्द हैं। हाँ, मैं मर्द हूं और डरता नहीं हूं मैं किसी से, और कानून भी इजाजत देता है मुझे इस चीज की। कौन सा कानून ये कहता है कि एक लड़की की जिंदगी इस तरह से तबाह कर दो? मैं ऐसे किसी कानून को नहीं मानती हूँ। क्या तुम लोग लड़ रहे हो? पूरा घर सर पर उठा रखा है, सारे मोहल्ले में आवाजें जा रही है, क्या हो गया तुम लोगों को? इन्होंने गजल से निकाह कर लिया। क्या गजल से निकाह कर लिया? तुम्हें शर्म नहीं आई ये करते हुए? हमारे इकलौते बेटे हो, तुमने सोचा कि तुम अपने इकलौतेपन का फायदा उठा सकते हो? हमारी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया है तुमने। जिस तरह आप मुझसे मोहब्बत करती हैं, मैं भी किसी से प्यार करता हूँ, मैंने भी किसी से वादे कर रखे। बाप मर गया उसका, अकेली है वो, निकाह किया है मैंने उससे, चोरी नहीं की, गुनाह नहीं किया। और हां एक बात और, एक फैसला आपने किया था मेरी जिंदगी का, मैंने माना। बिग फैसला मैंने किया है अपनी जिंदगी का, आपकी मर्जी, माने या ना माने।
मत रो मेरे बच्चे, मत रो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लो बेटा, जूस पी। पहले ही जा रहा गया। थोड़ा सा पी लो बेटे। यकीन करे नहीं पिया जाएगा। देखो बेटा, अगर तुमने अभी से हार मान ली तो कैसे काम चलेगा? अभी तो जंग शुरू हुई है। हार नहीं भी मानूंगी तो क्या होगा? हार तो मैं गई नहीं। अपने हक की जब कोई जंग लड़ रहा होता है ना बेटे, तो जब तक वो खुद हार ना मान ले उसकी हार नहीं होती। खुद को संभालो बेटा, वरना तो वरना क्या होगा? मर जाने को दिल करता है मेरा। पापा की तबीयत भी खराब, उन लोगों से भी शेयर नहीं कर सकती। मैं हूं ना बेटा, तुम क्यों परेशान होती हो? तुम ये क्यों भूल रही हो कि तुम्हारा और मेरा दुख साझा है? तुम अपने शौहर को खोने जा रही हो और मैं अपने बेटे को। फिर भी मुझे कह रही है कि मैं हार ना मानू। देखो बेटा, पिछले 6 महीने से तुमने कितनी मेहनत की थी, तुमने खुद भी अपने शौहर में वाज़े तब्दीली महसूस की होगी। और तुम अब भी चाहो तो रात रात भर बैठकर इस बिस्तर पर गजल से फोन पर बातें करते रहते, कोई तब्दीली नहीं आएगी उनमें। अगर तुम हिम्मत करो तो उस पत्थर में भी धड़कन पैदा हो जाएगी जो मंजर के सीने में किसी और के लिए धड़क रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सब क्या है? सरप्राइज। अम्मी कहाँ? अम्मी जान बड़ी खाला के यहाँ गई है। अरे आप आए ना, बैठिए सुकून से। किस चीज का सरप्राइज है? अगर आप खुश हैं तो उसकी कोई वजह भी दोगी? हाँ बिल्कुल। So? I'm pregnant. आप बाप बनने वाले हैं। What? Such? You're pregnant? तुम सच कह रही हो? तो क्या मैं आपसे झूठ बोलूंगी? वो भी इतनी बड़ी खुशी जिसका ताल्लुक हमारी औलाद से हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम नहीं जानती मारा, तुम नहीं जानती तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी। I have no words. Thank you. अच्छा चले बैठ जाए। बैठे ना, इसी खुशी में मैंने आपकी पसंद के खाने बनाए और आज बाहर से पाए भी मंगवाए। लेकिन मैंने डॉक्टर से परसों का अपॉइंटमेंट भी ले लिया है अबॉर्शन के लिए। What? What are you talking about abortion? तुम सोच भी कैसे सकती हो? तुम क्या करने जा रही हो? अब देखिए ना, इस बच्चे के दुनिया में आने का क्या फायदा? जैसे आपने मेरी मोहब्बत
गजल के हिस्से में डाल दी थी ना, ऐसे अगर गजल की औलाद होगी तो आप हमारे बच्चे की शफकत भी गजल के बच्चे के हिस्से में डाल देंगे। प्लीज तुम डोंट थिंक अबाउट इट, प्लीज एबॉर्शन के बारे में मत सोचो, वादा करो मुझसे, प्रॉमिस, प्रॉमिस करो यार। ओके, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त। तुम कहो तो सही तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो चीज चाहिए तुम बोलो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन इस एबॉर्शन के बारे में मत सोचना। मैं या फिर गजल, और ये फैसला करने के लिए आपके पास 3 दिन है। याद है ना आपको मेरी 3 दिन बाद डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। खाना ठंडा हो गया, मैं खाना गर्म करती हूँ, बहुत सख्त भूख लगी, आप प्लीज फ्रेश होकर आ जाए, उठ जाए उठ जाए। मायरा बेटा, क्या बात है, कोई बात हुई तुम्हारी उससे? पता नहीं अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों, क्या कुछ कहा है उसने? कुछ नहीं कहा, रात भर कमरे में ही नहीं आए, और सुबह पता नहीं कब ऑफिस चले गए। ये पूरी रात मुझ पर कितनी भारी गुजरी है, 2 दिन कैसे गुजरे? मुझे फिक्र ना करो, अल्लाह बेहतर करने वाला है। फिक्र तो है ना अम्मी, ये हमारे रिश्ते का आखिरी धागा है, अगर ये भी टूट गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। बेटी हुई तो उसका नाम उम्मीद रखेंगे। मुझे माफ कर देना मंजर, तुमसे मां बनने का झूठ मैंने मजबूरी में बोला था, औरत अपने सुहाग को बचाने के लिए आखिरी हद तक जा सकती है।
और मैं भी तो एक औरत ही हूँ ना।